ने आ रखा है सभी गांव के मंदिरों हो। में। तो अभी काफी सारे मंदिरों में जाना बाकी रह चुका है, ऊपर साइड अभी हम जहाँ से आए उन मंदिरों में भी जाना है। तो मंदिर के लिए एक घंटी भी ये लोग लेके आए हैं। तो मंदिर आपको हमने बताया था कि आपको हम देवी देवताओं के दर्शन कराएंगे बिना मिलावट के। ये सारे श्रद्धालु तो यहाँ पे अंकल जी वगैरह बैठ गए, यहाँ पे चाय पानी बन रहे हैं और यहाँ पे चल रहा है काम। तो अपना ध्यान रखना आप लोग सभी, ओके। और यहाँ से रास्ते से होते हुए सब लोग आगे आगे जा रहे हैं। हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त सौरभ बिस्ट ब्लॉग देवभूमि उत्तराखंड की पहाड़ की नसीन सी वादी में आप लोगों का स्वागत है फिर से नए दिन के साथ, नई शुरुआत। सुबह के बज चुके हैं 11 बजने वाले हैं और हम लोग यहाँ पे आए हैं रोटे गाँव द्वार दिन में, जिसे हमारे गाँव में पहाड़ों का रिवाज है कि शादी के दूसरे दिन फिर से लड़के वालों के साइड से आते हैं लड़के लोग फिर से, और यहाँ से लड़की वाली साइड से भी जाते हैं द्वार दिन में लोग। तो ऐसा कुछ रिवाज पहाड़ों में है। तो इस समय हम रोटा गांव आ रखे थे, कल आ रखे थे और कल काफ़ी बारिश हुई। यहाँ का आपको व्यू दिखा देता हूँ मैं पहले, कैसे सुंदर सा व्यू है यहाँ का। और ये देखिए यहाँ पे पूरा रोटा गांव फैला हुआ है। जहाँ पे हम लोग आ रहे थे वो ये वाला एरिया है, आपको जूम करके दिखाते हैं। तो इन वाले घरों पर हम लोग इस वाले गाँव में आ रखे थे। तो पूरा ये रोटा गाँव है, यहाँ से लेकर पूरे नीचे और ये एरिया तक पूरा एक ही गाँव है। बट ये लोग जिन लोगों के खेत ऊपर साइड रहे होंगे वो लोग ऊपर साइड के लिए बस गए, जिनकी ज़मीनें ऊपर रही होंगी तो ऊपर साइड के लिए बस गए, बाकी के जिन लोगों की ज़मीनें नीचे रही होंगी तो वो लोग नीचे साइड के लिए बस गए, रोड के नीचे साइड। तो उस समय भी हम बारात में आ रहे थे यहाँ रोड साइड नीचे गाँव में, और अब जा रहे हैं हम भाई लोग यहाँ पर आगे जा रहे हैं। रास्ते लगे हुए हैं सभी भाई लोग और देखते हैं कहाँ तक घूमने जा पाते हैं हम लोग यहाँ आगे। यहाँ पे हैं और रास्ते के लिए कह रहे हैं कि आगे कौन जाएगा, तो यहाँ पे पहले बात चल रही है आगे कौन जाएगा। तो देखते हैं भाई कौन इनमें से आगे जाता है। तो ये वाला गांव में भी शादी हो रखी है, वो भी हमारी बुआ लगती है तो उसकी शादी भी यहाँ पे हो रखी है। तो काफी रिश्ते इस साइड के हो चुके हैं। तो हमारा भाई विकास भाई, गाइस स्वागत है आप सभी को सौरभ बिस्ट के ब्लॉग में। आइए आपको ले चलते हैं ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट अपने ससुराल। ससुराल सही कह रहा, ये जवाई जी हैं, गागड़ है इनका, गागड़ इनका ससुराल है हमारे मुन्ना चाचा। चलो आगे, चलो आगे चलते हैं, हम आपके पीछे से चलेंगे। और यहाँ का आपको गांव का व्यू भी दिखाते, काफी सुंदर सा नजारा। और सभी भाई लोग हम लगे हुए रास्ते जॉब कर रहे हैं। Slightly, their place name is Gawana. Gawana. Yeah. And we are Dungri, Rotia, Gagar, so many village in this side. हम आ चुके हैं रोटिया गांव में और काफी सुंदर नजारा है यहाँ पे। देखिए जो गांव पड़ता है अपना और गवाना ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कमेंट करें प्लीज। जय श्री राम दोस्तों, आज हम रोटिया के अंदर आ रखे हैं, हमारी भाई की शादी थी तो हम यहाँ आए हैं मेहमान बन के। सो हम घूमने के लिए आ रखे हैं यहाँ पे अभी, और देखो वो उधर का गांव जिसका नाम गवाना है, और ये रोड आगे कागड़ मिलती है, ठीक है। ये इसको हम गढ़वाले में कुलिंग का पेड़ बोलते हैं, ठीक है। आओ आप, इस समय हम गांव के टॉप वाले एरिया पे आ चुके हैं। यहाँ पे पिछली बार हमारे एक दोस्त की शादी थी गांव की, जो हम यहाँ पे आए थे। और यहाँ पे मंदिरों में ऐसा है रिवाज है कि जब भी शादी होती है गांव में पहाड़ों में, ऐसा रिवाज है जब भी किसी नए जोड़े की शादी होती है तो वो मंदिरों में धूप वगैरह जलाने के लिए जाते हैं, दिया वगैरह जलाने के लिए। तो ऐसा रिवाज है। और इस समय दुल्हन और दूल्हा तो आए नहीं अभी, बट वो थोड़ी देर बाद आएंगे क्योंकि उन्हें किसी नीचे वाले मंदिर में जाना था, वहाँ पे जो रहता है घाट वगैरह चढ़ाने के लिए।
तो वहाँ पे वो चढ़ाने के बाद वो लोग आएंगे यहाँ पे ऊपर साइड, और थोड़ी देर हम यहाँ पे बैठेंगे। और बहुत साल पहले आया था मैं यहाँ पे, तो अभी भी सेम वैसे ही है जैसा उस समय था। यहाँ का नज़ारा काफ़ी सुंदर और काफ़ी प्यारा सा नज़ारा। तो आपको यहाँ पे उस वाले मंदिर पे ले जाते हैं जहाँ पे उस समय हम लोग आए थे, और काफ़ी अच्छी लोकेशन है, टॉप वाला एरिया है ये दोस्तों। उत्तराखंड के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक मंदिर रोहटा गाँव के एक छोटे से कस्बे में स्थित है, और आपको वहाँ ले चलेंगे। तो यहाँ पे हम सभी भाई लोग लगे हुए हैं, तो इस बार भाई काफ़ी मस्त सी धूप भी लगी हुई है। हमारे बड़े भाई, मैं और मेरे दोस्त हमारे साथ में आ रखे हैं, तो अब आपको ले चलेंगे मंदिर की ओर और आपको दर्शन कराएंगे। जय बजरी साहब आगे आ चुके हैं, और ये है हमारी देवी का मंदिर, ये आपको ले चलेंगे। देखो और ये देखिए विशाल मंदिर और सुंदर दृश्य आपको दिखाएंगे। काफी प्यारा मंदिर है, और काफी सारी घंटियां मंदिर के चारों ओर मुंह पे लगी हुई है। और हमसे पहले हमारे बड़े भाई आ चुके हैं यहाँ पे, हमारे गांव के चाचा लोग पहुंच चुके हैं, और ये रहा काफी सुंदर सा मंदिर। यहाँ पे सुंदर चित्र आपके सामने, आप इसका लुक लीजिए। विकास भाई कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है यहाँ पे आके एकदम, और जितना हमने चढ़ाई चढ़ी है उस हिसाब से यहाँ पे आके मुझे एकदम से नॉर्मल सुकून सा मिल रहा है। और ये ऊपर वाला एरिया आप है जरूर आए यहाँ पे और मंदिर के दर्शन करें। और ये टॉप वाला एरिया पे हम लोग आ रहे हैं, और ये टॉप वाले एरिया पे ये वाला मंदिर बनाया है इन लोगों ने। और फ्रंट से आपको मंदिर दिखाते हैं, तो यहाँ पे फोटोग्राफी चली है चाचा जी की। तो आगे से हम लोग जाने वाले हैं। तो ये देखिए भाई, प्रवेश करना है, ये सही बात। इस मंदिर का नाम त्रिकाल देवी मंदिर है, और प्रसिद्ध देवियों में से मानी जाती है। यहाँ पे माता मठाना का विकराल रूप, ये माता मठाना का ही एक रूप है। और आइए आपको करीब ले चलते हैं। मंदिर में सभी लोगों ने फोटो खींच दी है, और काफ़ी सुंदर सा मंदिर है। उस समय जब हम लोग यहाँ पे आए थे तब ये वाला मंदिर नहीं बना था। अब काफ़ी सुंदर सा मंदिर का, काफ़ी सुंदर सा नज़ारा चारों ओर का, और काफ़ी सी प्यारी सी लोकेशन पे ये वाला मंदिर है। गांव के टॉप वाले एरिया पे ये वाला मंदिर बना रखा है यहाँ पे, तो काफ़ी प्यारा मंदिर लगा हमें ये, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। जब भी घूमने के लिए होता है तो काफ़ी चेहरे पे मुस्कान रहती कि भाई घूमने के लिए तो कहीं तो मिला। तो इस समय हम लोग आ रखे हैं टॉप वाले एरिया पे। यहाँ भी नीचे है सामने पे, ये देखो गांव का एरिया है, और यहाँ पर फोटोग्राफी चल रही है। ये देखिए भाई लोग लगे हुए हैं फोटो खींचने पे यहाँ पे। और इस वाले गांव में हम आए थे रोहटा गांव के ऊपर वाले एरिया वाला गांव है ये, तो काफ़ी अच्छी लोकेशन पे है ये वाला गांव। ये देखिए भाई, यहाँ ऊपर साइड से लेकर नीचे साइड तक काफ़ी बड़ा गांव है ये, काफ़ी प्यारी सी लोकेशन पे ये गांव है बसा हुआ, ऐसा कुछ नज़ारा यहाँ का। तो वहाँ मंदिर से हम लोग वापस आ चुके हैं गाँव की ओर के लिए, क्योंकि दूल्हे के साथ कोई भी वहाँ पर नहीं है, तो दूल्हे के साथ रहना भी ज़रूरी रहता है। अकेला दूल्हा थोड़ा सा घबरा, थोड़ा नर्वस फील करता है, तो दूल्हे के साथ भी रहना जरूरी है। और विकास भाई और मैं जा रहे हैं दोनों के दोनों विकास भाई, हमको मिल चुके हैं दूल्हा दुल्हन, और यहाँ पे गांव के सभी लोग तो नीचे वाले एरिया में जा रहे हैं। यहाँ पे एक मंदिर है, तो यहाँ पे भैरव देवता का मंदिर है, और जाते हैं जिन्हें भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं गढ़वाल में, तो उनके वहाँ मंदिर में जा रहे हैं। और ये लोग सभी लोग लगे हुए हैं आगे ये रास्ते, और मैं पीछे पीछे साइड से इन लोगों की वीडियोज बना रहा हूँ।
और काफ़ी यहाँ पे रास्ता काफ़ी स्लिप वाला है, और जिसके जूते पुराने होंगे वो स्लिप होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे उसके लिए। तो ये आगे आगे छोटे छोटे के बीच से होकर ये वाला रास्ता जा रहा है नीचे मंदिर साइड के लिए, औसगाँव के सभी मंदिरों में जाना होगा। तो यहाँ पर ये लोग आगे साइड के लिए जा रहे हैं, काफ़ी सुंदर से यहाँ का नज़ारा। और जिस वाले रास्ते से हम लोग जाने, काफ़ी संक्रिय ये वाला रास्ता है और काफ़ी मुश्किलों के साथ इस रास्ते से जाना पड़ रहा है और काफ़ी दिक्कतों का सामना यहाँ पे करना पड़ रहा है। क्यों विकास भाई, तुम बताओ? उत्तराखंड क्षेत्र में देवलोक, हाँ देवों की भूमि, और ऐसा कुछ रास्ता पतला सा पड़ता है और अपनी आस्था भक्ति को रखते हैं। एक मंदिर है, मंदिर के पास हम लोग पहुँच चुके सर, तो ये खेत्रपाल देवता जो कि शिव भगवान के अवतार माने जाते हैं, तो उनका ये मंदिर है। तो काफी प्राचीन मंदिर लग रहा है और क्या लगता है आपको आस्था में कितनी ताकत होती है, आप बता सकते हैं? मुश्किल वाला रास्ता था जिस वाले रास्ते से हम लोग आए हैं जी, क्योंकि काफी संक्रिय रास्ता था और स्लिप वाला था क्योंकि कल आई थी बारिश जी, जी स्लिप हो सकता थे हम लोगों के पांव, जिसके पुराने जूते थे जी सर, काफी दिक्कत था जी। जैसा कि आप सभी को सौरभ भाई ने अभी बताया, कैसा रास्ता था? बहुत ही डिफिकल्ट रास्ता वही था, और भगवान की कृपा से यहाँ पे आने के बाद हमें बिल्कुल भी वो दूरी का कोई महसूस नहीं हुआ है। बने रहिए हमारे साथ सौरभ प्लीज के ब्लॉग अतः धूप देखा। आने की हमारे यहाँ पे एक विशेष प्रथा है और दीपक जलाने हेतु हमारे भाई अंकित सिंह पिस्ट अंदर वे रखवाली जिसको बोलते हैं क्षेत्रपाल, धन्यवाद जी, क्षेत्र की रखवाली करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, जी जी आप बोल सकते हैं। पहाड़ों में नई नई शादी होती है तब तब आप गांव के जितने भी मंदिर रहते हैं उन मंदिरों में दीवा अगरबत्ती करना जरूर रहती है, और सभी लोग यहां से जैसे आशीर्वाद लेने के लिए नए जोड़े आते रहते हैं। तो इस समय ये नया जोड़ा जो है शादी का वो यहां आशीर्वाद लेने आ रखा है सभी गांव के मंदिरों में। तो अभी काफ़ी सारे मंदिरों में जाना बाकी रह चुका है, ऊपर साइड अभी हम जहाँ से आए उन मंदिरों में भी जाना है। तो मंदिर के लिए एक घंटी भी ये लोग लेके आए हैं, तो मंदिर में एक घंटी वगैरह भी जरूर चढ़ाएंगे जिसे गढ़वाली में कहते हैं घाट को। गाँव है उसका नाम डुंगरी है, और अब आज वहाँ पे रोड का अविष्कार हो चुका है, नई वाली घंटी दान किया है। तो ये देखिए, तो मंदिर के पास आके यहाँ पे सभी लोग घंटी बजाने पे लगे हुए हैं। तो अभी और मंदिरों में भी जाना बाकी है, बाद हम जा रहे हैं दूसरे वाले मंदिर में, और काफी सारे पहाड़ों में मंदिर आप लोगों को छोटे छोटे मंदिर देखने को मिलने वाले हैं। तो इस समय दूसरे वाले मंदिर में जा रहे हैं, तो देखते हैं कितना दूर वो वाला मंदिर होने वाला है। तो यहाँ पे मंदिर पर दूसरी वाली घंटी यहाँ पे चढ़ाई जा रही है। तो यहाँ पे पहले घंटी चढ़ाने के बाद, और मंदिर के लिए यहाँ पे रेड कलर का कपड़ा लेके आए हैं जिसे गढ़वाली लैंग्वेज में कहते हैं साड़ा, तो उसको यहाँ पे चढ़ाया जाएगा मंदिर में। तो ये भाई जी लगे हुए हैं यहाँ पे मंदिर में घंटी लगाने पे।
और यहाँ पे काफी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं मंदिर के नजदीक, और लग रहा है मंदिर का काम यहाँ पे चल रहा है। तो ये लोग लगे हुए यहाँ पे काम करने पर, और अंकल जी ने चाय की केतली वगैरह चूल्हे पे रखी थी अभी तक, तो लग रहा है चाय पानी हो गया अंकल लोगों का। तो यहाँ पे अंकल जी वगैरह बैठ के यहाँ पे चाय पानी बन रहे हैं, और यहाँ पे चल रहा है काम। तो अपना ध्यान रखना आप लोग सभी, ओके। और यहाँ से रास्ते से होते हुए सब लोग आगे आगे जा रहे हैं, और मीन के पीछे, क्योंकि भाई मीन जिम्मेदारी हमारी है कैमरा चलाने की पीछे से, आपको हर एक मोमेंट आप कोई भी ऐसा मोमेंट हम मिस नहीं करवाने वाले हैं, ऐसा कुछ प्यारा सा मोमेंट आपको देखने को मिलने वाला है। चार मंदिरों में पूजा पूरी हो चुकी है, पांचवें मंदिर में जाने की हम लोगों की तैयारी हो चुकी है। गांव के खेतों के रास्ते से होते हुए हम लोग निकल पड़े हैं और नीचे गांव के लिए, और यहां पर और नीचे जाने पर लगे हुए हैं, एक मंदिर और यहां पर रह चुका है। और यहां पर ये छोटी सी जो कि आपको वीडियो में गिरती हुई जरूर देखने को मिलेगी मंदिर के वहाँ पे और ये देखिए फिर से स्लिप हो गया था लग रहा है, तो काफी मुश्किल होने वाला है ये रास्ता। छठवां मंदिर होने वाला है, तो काफी सारे मंदिर हैं, और काफी सारे मंदिरों के लिए ये वाले कपड़े ला रखे हैं जिसे गढ़वाली में हम लोग साड़ा कहते हैं। तो यहाँ पे लगे हुए हैं मंदिर में पूजा करने पे। तो यहाँ इस मंदिर के लिए भी मंदिर के लिए घंटी लेके आ रखे हैं, तो इस वाले मंदिर में भी ये वाली घंटी चढ़ाएंगे। आगे कुछ भी, और जैसा कि आपको हमने बताया था कि आपको हम देवी देवताओं के दर्शन कराएंगे बिना मिलावट के पुराने तो खान ये सारे श्रद्धालु आज के घड़ी चढ़ाई पर चलते चलते यहाँ पे काफ़ी सारे घर आपको टूटे हुए देखने को मिलने वाले हैं, जो पुराने घर थे वो आप लोगों को ऐसे वाले देखने वाले कमी मिलने वाले हैं। तो ये वाले पत्थर की जो ऐसे स्लाइड रहते हैं ऐसे वाले, तो ये वाले घर आपको देखने वाले कमी मिलने वाले हैं। जैसे ये वाला घर टूटा हुआ है, ये वाली तो हो सकता है ये वाली गौशालाएँ रही होंगी, तो ये काफ़ी कम आप लोगों को पहाड़ों के बीच आप देखने को मिलने वाले हैं। सारे के सारे आपको लेंटर वाले घर देखने वाले को मिलने वाले हैं। फिर से हम आ चुके हैं उसी वाली लोकेशन पे वापस, और यहाँ पर हम लोग अभी भी आए थे मंदिर के वहाँ पे, तो ऋतिक भाई भी थक चुका है और मुझे भी थकान लग चुकी है, क्योंकि मैं यहाँ से अभी जस्ट थोड़ी देर पहले यहाँ मंदिर से होके हुए गया था नीचे। और यहाँ पर ये छोटी सी परी भी है, तो ये भी थक चुकी है। परी है गाइस, इसके पंख नहीं है, और इसके पंख नहीं है देख सकते हैं, तो बिना पंख की है। अरे यार इंसान हो ये है परी। तो जो मंदिर के अंदर पूजा करने के लिए थाली लेके जा रहे हैं, तो उसकी तैयारी यहाँ पे चल रही है, और यहाँ पे लगे हैं ये पूजा की थाली को रेडी करने पे। ओम मंगलम 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 धनहरा मंगलम कुंडलिंगांशाय
नहीं बोलूंगा नहीं बोलूंगा तो क्या करूँ तो गाइड तो हमको अच्छे है गाइड गाइड सर मोना नहीं मैम सर मैं बोल बोल हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे प्रवेश और ये है प्रवेश द्वार मंदिर का और यहाँ पे ये रहा होगा कुंड सेवा तो यहाँ पे माता का मंदिर है और इस वाले मंदिर पे हम लोग आ रहे हैं दी अगरबत्ती करने के लिए और ये शायद से सातवां या आठवां मंदिर होगा तो इस वाले मंदिर में आ रहे हैं हम लोग घंटी और काफी बड़ी इस पे चेन है जो कि काफी हाइट पे है और ये देखिए भाई काफी हाइट वाला एरिया है ये तो यहाँ से लेकर ये देखो यहाँ से और माता का मंदिर काफी सुंदर बनाया हुआ है काफी सुंदर जैसा कि आप सभी ने पहले से देख दिया है और एक भव्य मंदिर और भव्य मूर्ति का निर्माण किया गया है ग्राम पंचायत रोठा द्वारा पूजा वगैरह सभी मंदिरों में हम लोग जा चुके हैं यहाँ से जाने वाले हैं अब घर के लिए वापस आप दिन का खाना भी बन ही गया होगा तो खाना खाने के लिए हम लोग जाने वाले हैं सभी लड़के लोग ये आगे साइड जा रहे हैं और हम इनके पीछे पीछे साइड जा रहे हैं हमारे भाई लोग निकल पड़े हैं यहाँ से आप फिर रोटे गाँव के घर के लिए तो चलते हैं फिर रोटे गाँव खाना खाने के बाद हम लोगों ने तो खाना खा लिया है इस समय गांव के लोग खाना खाने पे बैठे हुए हैं और थोड़ी देर बाद हम लोग भी निकलने वाले हैं यहां से तो अभी यहां पे गांव वाले खाना खाएंगे इसके बाद थोड़ी देर बाद हम लोग भी अपने घर के लिए यहां से निकल जाएंगे तो यहां पे चाचा लोग सभी लोग हम लोग यहां पे बैठे हुए साइड पे और यहां पे सभी लोगों ने खाना खा लिया अपने गाँव में है एकदम बिंदास है मस्त है हम लोग
और यहाँ से थोड़ी देर बाद हम लोग जाने वाले हैं। दिनेश भाई हमारे तो हमारे चाचा जी आ रहे हैं गाड़ी लेके, और मैं सब हम बिंदास हैं, आप कैसे हो? शाबाश, थैंक यू, शाबाश। तो इस समय इस वाले रूम में सब लोग बैठ चुके हैं और रसम रहती है, जाते समय मिठाई वगैरह लगती है, तो यहाँ पे सभी लोगों को मिठाई वगैरह भाई हमारे, और यहाँ चलते हुए हम लोग यहाँ पे अभी तैयारी हमारे तो थोड़ी देर बाद निकलेंगे हम लोग यहाँ से, आवाज निकालना जरूरी है। यहाँ पे देवभूमि उत्तराखंड तो यहाँ से जाने की तैयारी हम लोगों की हो चुकी है, और यहाँ पे सभी लोगों को मिठाई वगैरह भी लग गई है, सब कुछ हो गया, सब सभी लोगों ने अपने अपने लिफाफे अपने पास रख दिए, सबने जेब में डाल दिए हैं, आप कुछ बोलना चाहते हैं बोल लीजिए, और टेढ़े मेरे वाले कुरकुरे मार्केट में खाने 5 रुपए वाला कुरकुरा बस। तो यहाँ से जाने की तैयारी बिल्कुल हम लोगों की हो चुकी है, तो अंकित भाई थोड़ी देर बाद आएंगे इनका भी वाली गाड़ी में, तो यहाँ से जाने की तैयारी, और काफी लोग यहाँ से हम लोगों को विदा करने पर लगे हुए हैं। भाई सही है, तो वीडियो तो निकाल दी, चलो जी चलो ओके चलो। तो यहाँ पे अंदर पे खाना खा रहे हैं, और काफी इन्होंने हमारे खुद आप लास्ट में खाना खा रहे हैं यहाँ पे, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हम लोगों को खाना वगैरह खिलाने के लिए, और काफी वो बाय ओके टाटा। चलो तो यहाँ से सभी लोगों को गुड बाय कर देते हैं, फिर मिलेंगे कभी और दिनों के लिए, तो बैठ जाओ तो भैया जी हमारे, अच्छा भैया धन्यवाद, ठीक है हमारे भाई जी मिले, बाय कर दो टाटा का काट हैं, चलिए हमारे चाचा जी आ रहे हैं नीचे साइड के लिए, और आ रहे हैं यहाँ पे पैदल वाले रास्ते से, से हम लोग पहुंच चुके हैं आधे रास्ते पर, और सब लोग पीछे साइड से आ रहे हैं, और ये देखिए भाई सभी लोग चलने पे लगे हुए हैं। आज की वीडियो को बस इतना ही रखता हूँ, बड़ा सनोड़ा कार हम लोग देख ये देख, तो ये सभी लोग हम लोग निकल पड़े हैं घर के लिए, तो आज की वीडियो को बस इतना ही रखते हैं, आशा करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, तब तक के लिए टाटा गुड बाय, मिलेंगे नई वीडियो में नई लोकेशन में नई लोगों के साथ, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।